नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद सेनेटिक एनर्जी ई एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री टू द एट द हाइएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द फ्लाइट इट्स कैनेटिक एनर्जी विल बी ऑप्शन है जीरो ई बाय टू ई बाय रूट टू एंड ई और ये क्वेश्चन आपका दो बार नीट में पूछा जा चुका है और एक बार मेन्स में है सो so बड़ा ही सिंपल सवाल है <laughs> इसको हम एज अ कॉन्सेप्ट शुरू में करेंगे थीटा की वैल्यू फोर्टी फाइव उसमें बाद में ऐड कर लेंगे नाउ क्वेश्चन है इसके कोई पार्टिकल को अगर हमने u वेलोसिटी से और लेट से थीटा एंगल पे फेंका है और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है तो यहाँ पे लेट से उसकी एनर्जी ई नॉट है यहाँ पे एनर्जी उसकी e1 हो गई है e1 और e2 का रेशियो क्या होएगा या e1 को अगर हम ई नॉट की टर्म में लिखना चाहें तो उसे कैसे लिख सकते हैं ना no. uh, यहाँ पे अपने को पता है कि ई नॉट की जो वेलासिटी है उसको आप लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर सो दिस इज माई इनिशियल कानीटिक एनर्जी जिसको हमने उसे इम्पार्ट किया या दैट इज द एनर्जी दैट वी हैव इम्पार्टेड हाइएस्ट पॉइंट पे जो अपना पार्टिकल पहुंचा है यहाँ पे उसकी जो हो जाएगी हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर वाई थीटा का स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे पहुँच के हाइएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होती है यू थीटा सो ये ये आपकी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी नाउ अगर इन दोनों का आप रेशो लिखें तो हाई ई वन या टॉप पॉइंट पर उसकी जो वेलासिटी है डिवाइडेड बाई ई नॉट अगर करें ई नॉट इनिशियल एनर्जी सो इसको जब दोनों को डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू कॉसक्वायर थीटा तो हम ये कह सकते हैं कि ई वन यानी कि टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इज ई नॉट कॉसक्वायर थीटा सो एक इन जनरल फॉर्मूला है दैट यू कैन रिमेंबर नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू फोर्टी फाइव रख दें हाँ सॉरी थीटा की वैल्यू 45 रख दें तो थीटा होएगा वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू का स्क्वायर होएगा वन बाय टू सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है दैट विल बी ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू का स्क्वायर सो देट विल बी इक्वल टू टू सो ऑप्शन नंबर बी ई बाय टू विल बी द करेक्ट आंसर